हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आपने सुना विरोचि वीरेश पांडे लगातार ब्रजभूषण जी की इस पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की स्थिति बनेगी जैसे वो तैसा जवाब देंगे तो जो टकराव होगा उत्तर प्रदेश की धरती पर वो तो आप ही लोगों को संभालना होगा, आप ही को झेलना होगा। और जैसा कि विजय जी बोल रहे हैं कि ऐसी राजनीति यूपी के नेताओं ने कभी की नहीं, इस पर आप लोग सोच विचार कर रहे हैं? देखिए, ये मैंने जैसा पहले कहा कि ये एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जिस तरह से राज ठाकरे जी ने पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का काम किया था, लेकिन इन ऐसी सारी जो कार्यक्रम हैं उन पे वहाँ का जो प्रशासन है वो निर्णय लेगा। जो भी उपयुक्त दिशा निर्देश होंगे, जो भी उपयुक्त निर्णय होगा वो वहाँ का स्थानीय प्रशासन करेगा जी। और राज ठाकरे की यात्रा को लेकर के उनकी यात्रा कब की है, क्या है, और ये जो विरोध है हो रहा है लोगों का, उसको लेकर के ये वहाँ का स्थानीय प्रशासन ही इसके ऊपर कोई अपना स्टैंड लेगा और उसके अनुरूप जैसा परिस्थिति होगी उसके अनुरूप वो निर्णय लेंगे। ठीक है, अब विजय उपाध्याय सर, ये जो तस्वीरें बन रही हैं और जैसा कि वीरेश जी बता रहे हैं कि ब्रजभूषण जी ने तो साफ कर दिया कि मुझे कोई भी कहे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, कदम बढ़ा दिया है, इन तस्वीरों का 2024 पर भी कुछ असर पड़ सकता है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव या सामान्य, क्या तस्वीर जुड़ेगी इसकी 2024 को लेकर? देखिए, इसका जो रिएक्शन है वो मुंबई के मराठी और पूर्वांचल के बीच क्या होता है उसके बारे में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर सोचना चाहिए। जहां इस समय शांति है, लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, उन सारे लोगों को टकराव के नए दौर में धकेलने की ये कोशिश है। इस मुहिम को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को पूरे भरपूर विरोध करना चाहिए। जो भी भाजपा के सांसद इस तरीके का अभियान चला रहे हैं, एक रीजनल क्षेत्रवाद उत्तर प्रदेश में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल बनाओ अभियान उत्तर प्रदेश में फेल हो गया, कभी भी जनता ने उसको समर्थन नहीं दिया, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात, यहाँ तक कि बुंदेलखंड को अलग करने की बात को भी यहाँ की जनता ने खारिज किया और उन राजनीतिक दलों को सबक सिखाया जिन्होंने बंटवारे की राजनीति की, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवाद पैदा करने की कोशिश की। तो क्षेत्रवाद के खिलाफ हमेशा राष्ट्रीय भावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा रहा है। जो भी व्यक्ति और जो भी पार्टी इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी, निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से उसका नुकसान होना तय है, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है उसमें कभी भी उत्तर प्रदेश ने क्षेत्रवाद होके, संकुचित होके कोई बात, कोई राजनीति को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो यहाँ के भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं अपने सुरक्षित जोन में, ये उन उत्तर भारतीयों को मुश्किल पैदा कर रहे हैं जो मुंबई में अभी भी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक गंभीर मसला है। और वीरेश जी, यही आपसे जानेंगे, जिस तरफ इशारा वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी कर रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण जी अपनी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं।